फ्रेंड्स, द लाइफ प्लैटर में आप सबको फिर से एक बार स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, टुआ भी अच्छी है, अभी मेरा शरीर ओके ओके है। तो थोड़ा सा तो वीकनेस था दो तीन दिन के, ऐसे जर्किन में, सर्दी खांसी का जर्किन, बुखार का जर्किन में, तो इसलिए पूरा डेली ब्लॉग मैं दे नहीं पा रही हूँ। सारा दिन शूट करना प्रॉब्लम हो रहा है मेरे लिए और मतलब पेशेंस भी नहीं हो रहा है, इसीलिए कुछ कुछ ट्रेडिशनल डिशेस मैं कुकिंग करके आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी। तो आज इसीलिए एक कुकिंग रेसिपी आप सबके साथ मैं शेयर करूंगी, जो है ऑथेंटिक स्टाइल, एकदम ऑथेंटिक डिश बोल सकते हैं बेंगोलीज। और रविंद्रनाथ ठाकुर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर, ठाकुर बाड़ी का भी एक डिशेस है जो है कोचू साग, नारियल छोला उसके साथ बनेगा कोचू साग। ये रहा मेरा कोचू साग, जिसको मैं धो के इसको क्लियर करके, इसका जो आँस है निकलता है इसका, उसको निकल के धो के मैं बॉयल करने के लिए रेडी कर लिया हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है इतना सारा ना, लेकिन ये जब बॉयल हो जाएगा ना, एक मुट्ठी भर हो जाएगा। और इसके साथ जो इंग्रेडिएंट्स पड़ेगा वो है ये बारीक कटा हुआ नारियल, उबला हुआ हॉर्स पावर चना, लाल चना, जीरा फोरन के लिए, सूखा मिर्चा, तेज पत्ता, कच्चा मिर्चा और नमक, चीनी। इसी के साथ बनेगा ऑथेंटिक डिश कोचू साग। तो चलिए रसोई शुरू करते हैं। इसको चारा दिया हूँ पतीला को, कोचू साग भरती पतीला को मैं चारा दिया हूँ और थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी इसमें, पानी देने का जरूरत नहीं, ऑलरेडी ये पानी वाला चीज है। इसको मैं ढाक दूंगी अभी पानी का, इसको मैं बॉयल करूंगी, क्योंकि ये जब हीट पड़ेगा इसमें, उसी में अपना पानी छोड़ेगा, इतना पानी छोड़ेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। एक पतीला पानी हो जाएगा और ये पूरा मतलब छोटा होके कम होके नीचे आ जाएगा, इतना सारा जो ऊपर पहाड़ होके रखा है। इसको मैं भी ढाक रही हूँ। उसके बाद मैं कैसे बनाती हूँ आप सबको मैं दिखाऊंगी। इतना था इसका लेंथ, देखिए यहाँ से इतना तक आ गया। अच्छा, पानी देखिए इतना पानी निकला है, इतना पानी और इतना नीचे पूरा आ गया है, पूरा भरती था। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया, अब इसमें तेल, इसमें अभी सूखा मिर्चा, तेज पत्ता, कच्चा मिर्चा और जीरा। थोड़ा सा ब्राउन हो जाए थोड़ा सा, उसके बाद मैं नारियल डाल दूंगा। नारियल और फोरन थोड़ा सा पक जाए, उसके बाद मैं बॉईल किया हुआ कोचू साग इसमें डाल दूंगी। नारियल का कच्चापन खाली चला जाए, बस थोड़ा सा हल्का ही फ्राई हो जाए फोरन के साथ। बस दोस्तों, ये हल्का सा फ्राई हो गया है, अभी कोचू साग मैं इसमें डाल दूंगी। पानी निकला, मैं एक बूंद भी पानी नहीं डाला। आप लोग भी अगर बनाइएगा तो बिना पानी के इसको बॉयल करने दीजिएगा नमक के साथ।
अब इसमें कच्चा ये बॉईल किया हुआ चना, नमक और मीठा चीनी डाल दूंगी। चीनी डालना इसमें जरूरी है, ये स्वाद बैलेंस के लिए नहीं, कोचू साग में आपको चीनी डालना ही पड़ेगा, तब जाके टेस्ट आएगा। अगर लगे आपका डाउट कि हाँ इसको गला कुटकुटाने का थोड़ा चांसेस है, तो थोड़ा सा इमली इसमें अभी डाल दीजिए। इसके बाद थोड़ा सा हल्दी, और ये बॉईल किया हुआ चना, बॉईल किया हुआ चना। ऊपर नीचे ऐसे करके अच्छा ये पूरा इंग्रेडिएंट्स को कोचू साग के साथ मिला के आप इसको पकने के लिए छोड़ दीजिए। पकना मतलब इसका पानी, और भी पानी है इसमें, पूरा पानी सूखेगा और कढ़ाई के बीच में एकदम आ जाएगा, तब आप जान जाइएगा कि चिकन कुक हो गया है। इसको पकने दीजिए, होने दीजिए, फाइनल लुक मैं आप सबको दिखाऊंगी। कभी होने पानी आ रहा है बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा किस किस को पसंद आया है रेसिपी, और घर में करके खाने वाले हैं मुझे जरूर लिखिए, और अगर इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना हो सब पूछ सकते हैं, मैं और अच्छा से गाइड कर दूंगी आपको। वीडियो देख के अगर समझ में ना आए कमेंट में लिखिए, मैं प्रॉपर आंसर दूंगी, और आप लोग वैसे बना के खाइए, टेस्ट बहुत आएगा, ट्राई तो करके देखिए दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरा कोचू साग चना और नारियल दे के बन गया है, देखिए कितना थोड़ा एकदम कढ़ाई का नीचे आ गया है, इतना थोड़ा एकदम बना। एक डेच की था, हाफ डेच की हुआ, क्वार्टर कढ़ाई होके रह गया। Thank you.